हेलो भाई स्टूडेंट, फिजिक्स का क्लास है, थर्मल फिजिक्स, और ये जेई मेन का चल रहा है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज, और क्वेश्चंस नंबर ये 13 नंबर है, और जेई एडवांस में 24 तो क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग से थर्मल फिजिक्स का। तो इसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, जेई मेन में 2018 में आया हुआ था, फिर इसको हम एनालिसिस के बाद बताएंगे डिटेल में कि कैसे ये बनता है। ट्राई कीजिए, एक मिनट का मौका। ओके, देखिए इसका एनालिसिस क्या है। वेयर देयर इज क्वेश्चन देयर इज आंसर, मतलब आपने क्वेश्चन समझ लिया तो समझिए क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। लिखा हुआ टू मोर, तो एन बराबर टू दिया हुआ है, फिर दिया आइडियल, तो समझ लीजिएगा आइडियल गैस है, नहीं तो कभी कभी रहता है ऐसे लिख देगा रियल गैस वंडरवाल का, तो ध्यान देना पड़ता। मोनोटोमिक गैस लिखा हुआ है, मोनोएटोमिक गैस, इसका मतलब हो गया गामा जो है 5/3 लेना होगा, और वॉल्यूम क्या है भी है, तो बोल सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम V1 जो है वो भी के बराबर है, और उस समय टेम्परेचर 27 है, तो ये हो गया T1, इसको बोल सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर, ये कितना है T1 है, स्मॉल T प्लस 273, तो स्मॉल T क्या है, तो स्मॉल T है 27 प्लस 273, 300 केल्विन आ गया, और V1 T1 मालूम हो गया है, एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, और जो भी है इसका प्रोसेस वो एडियाबेटिक है, तो जानते हैं कि एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, तो फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस PV गामा कांस्टेंट ये होता है। आप चाहें तो इसका प्रूफ भी पता लगा सकते हैं कि एडियाबेटिक में यही आंसर क्यों होता है, ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि इसको ड्राइव भी कर लें, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन हमको PV रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए कि फाइनली इसका वॉल्यूम क्या हो गया 2V, तो लिख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है फाइनल वॉल्यूम V2, पहले का डबल हो गया एक्सपेंड करने की वजह से, और टेम्परेचर फाइनल निकालने जो बोल रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या है T2 वो फाइंड करना, तो जब इस रिलेशन का यूज करेंगे, अब पहला स्टेट पुट करेंगे तो क्या होगा P1 V1 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा क्या आएगा P2 V2 गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, लेकिन हमको PV रिलेशन से बनेगा नहीं, हमारे पास तो एक रिलेशन होता है PV रिलेशन, एक होता है VT रिलेशन, एक PT रिलेशन, यहाँ पर तो ये रिलेशन पूछ रहा है V और T वाला, तो इसमें कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहां दिया ही हुआ था आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के यूज करें, तो फॉर एन आइडियल गैस मालूम है कि PV nT के बीच में यही एक रिलेशन होता है PV = nRT, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो V क्या हो गया, तो V = nRT/P, तो ये एक रिलेशन है जिसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल n हुआ, t हुआ, p हुआ, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
और इसी को बोल सकते हैं ये फंक्शन ऑफ एन टी पी आया, यही कहलाता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सिंगल वेरिएबल भी रहता है, डबल वेरिएबल भी रहता है, ट्रिपल वेरिएबल उससे भी ज्यादा रहे, और इधर एक लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी होता है, जब आएगा लेवल तो मैं बताऊंगा उसको भी। तो यहां से हम लोग को मतलब इस रिलेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा वीटी रिलेशन में, पीटी रिलेशन नहीं चाहिए, पीवी रिलेशन कर रहा था तो उसी से बना देते। तो यहां से हमको वीटी रिलेशन के लिए भी तो चाहिए इस रिलेशन से, लेकिन पी नहीं चाहिए, तो पी निकाल देते हैं, पी क्या हो गया एन आर टी बाई वी। अब यही पी कैंसिल इसमें पुट कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब आ जाएगा, सिंस पी वी गामा कॉन्स्टेंट है, आप पी की जगह बैठा दिए एन आर टी बाई वी, और यहां पर बैठा दिए वी का पावर गामा कॉन्स्टेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वी का इसे जूनियर क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप लोग कि ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एम माइनस एन होता है, तो वो ये लॉजिक लगेगा, ऐसा नहीं है कि जूनियर क्लास का यूज नहीं होता है। और टी का टी रहेगा तो टी आ गया वी का पावर में गामा माइनस वन हो गया, और जो भी बच गया एन आर नीचे ला दीजिए, तो कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई एन आर, कुछ नहीं दिया है तो एन कॉन्स्टेंट ही मानो, आर तो कॉन्स्टेंट रहता ही है, इसीलिए ये अनदर कॉन्स्टेंट, एक और कॉन्स्टेंट कर लिया ऐसा सोचिए, तो ये एक रिलेशन काम लायक हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत ही नहीं है, लॉजिक चाहिए, क्वेश्चन जो दिया है पढ़ते जाइए, एन दो मोल है, आइडियल गैस है, मोनोटोमिक है, इसका होता है डिग्री फ्रीडम, सॉल्व करके निकालिएगा तो ये गामा इतना आएगा, और ये डिग्री फ्रीडम इसका थ्री होता है, वो नहीं याद है तो डिग्री फ्रीडम का भी रिलेशन याद कर लीजिए कि डी प्लस टू बाई डी इज इक्वल टू गामा, ये होता है डिग्री फ्रीडम, और गामा का रिलेशन, गामा क्या है सीपी बाई सीबी, और क्या है सीपी माइनस सीबी, आर उस दो रिलेशन में माने सीपी सीबी निकल जाएगा अगर गामा और आर दिया है। तो अब यहाँ पर देखा जाए पहला कंडीशन क्या होगा, पहले स्टेट के लिए टी वन वी वन, फिर गामा माइनस वन हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा सेकंड केस के लिए टी टू वी टू गामा माइनस वन बराबर होगा, हमको टी टू निकालना है तो पहले लिखेंगे टी टू तब टी वन, यहाँ आएगा वी वन वी टू गामा माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे टी टू आ गया वी वन वी टू गामा माइनस वन टी वन। तो आप देख रहे हैं सामने में कि सारे रिलेशंस को डिराइव किया जा रहा है, कैसे एडियाबेटिक प्रोसेस लिखा हुआ था, तो अगर आपको याद है तो पीबी गामा कॉन्स्टेंट लिख दीजिए, नहीं याद है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद इसमें जो बीच में जो गैप है ये कैसे आया, तो उस कैसे को आप ड्राइव करिएगा तो पीबी गामा कॉन्स्टेंट आ जाएगा। हाँ लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में इतना ड्राइव करने का जरूरत नहीं है, आप उसको पहले से ही मेहनत करके रखिए, तब क्या होगा एग्जामिनेशन सेंटर में मेहनत कम करना पड़ेगा, तो सारा मेहनत एग्जाम में कीजिएगा पूरा डायरेक्शन तब तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जरूरत है इसलिए कि ये रिलेशन जनरली याद नहीं रहता है, टी वी गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट याद नहीं रहता है। हाँ जिन जो लोग रट्टा मारने वाले हैं उनको अगर याद है पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तो काहे नहीं वो इंजीनियरिंग में मेडिकल में क्वालिफाई करते हैं, अरे कभी नहीं याद होगा, वो सब फालतू चीज़ है कि याद कर लो या सीट ले करके प्रैक्टिस करो, वो सब भूल के ही मत काम कीजिए, लॉजिक से कीजिए बिना देखे बनाइए, सोचिए कि एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए, तब आपका लेवल इंप्रूव करेगा। अब यहाँ पर पुट कर देना है तो देखिए कैसे पुट करेंगे, तो T1 की जगह तो 300 है, ये देखिए लिखा हुआ है, अब V1 क्या है तो स्टार्टिंग में V1 था V, अब V2 था 2V, और गामा है 5 बाई 3 माइनस 1, जब इसको सॉल्व करेंगे 300 हो गया, ये हाफ हो गया और ये हो गया 2/3। अब जानते हैं कि ये इस पर भी पावर आएगा, इस पर भी पावर आएगा, तो जब आएगा 1 का पावर में 2/3 और डिवाइडेड बाई सोचो कि 2 का पावर में 2/3, ये तो 1 हो गया
तो यहाँ हो गया 300 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, 4 का पावर 1/3। अब 4 का पावर 1/3 निकाल लेंगे तब ये t2 निकल जाएगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ 4 निकालना आसान नहीं है, तो उसका टेक्निक क्या यूज कीजिए, मैं थोड़ा इसको टेक्निक को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या कीजिए कि 1 का क्यूब जानते हैं और 2 का क्यूब जानते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब होता है 1, तो आंसर 1 और 8 के बीच में है, कंफर्म है। तो अब इसके बीच का आंसर कौन होगा, 1.5 होगा। तो 1.5 को क्या कीजिए, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे ही 1.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 2.25, और एक बार 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बजे 75 का 5, 7 बज गया 15 30 7 37, 3 बज गया 15 30 7 37, तो यही आएगा 3.77। तो देख रहे हैं 1.5 जो है 3.77, लेकिन यहाँ तो 4 है, तो अब इसी के बीच में होगा, 1.5 और 2 के बीच में होगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं एक डिजिट के लिए 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 जिससे मिल जाए, तो चलिए हम 1.6 में ट्राई करके देखते हैं। तो 1.6 को फिर 2 बार जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 256, और फिर 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 6 96 का 6, हम डायरेक्ट कर दे रहे 16 6 96 का 6, 9 बज गया 16 5 80, 80 और 89, तो 9 हो गया 8, 8 बज गया 16 32 8 40, और फिर यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद 4.096। तो देखिए ए वाला आंसर दे रहा है 1.6 दे रहा है हमको, 1.6 हमको दे रहा है 4.096, और 1.5 दे रहा है 3.775। अब देखेंगे कि इसमें कौन क्लोज में है, तो क्लोज में तो हमको दिख रहा है कि यही वाला ज्यादा सही है, तो 1.6 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर अलाउड रहता तो बात अलग है, लेकिन हम लोग नहीं दिया है अलाउड तो करना पड़ेगा ना। तो 1.6 से एक्चुअली 4 क्या है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि x का पावर 1/3 लिखेंगे और इसका आंसर y निकालेंगे, तो जैसे जैसे x का आंसर बढ़ाएंगे तो y का आंसर भी बढ़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर सीधा समझिए कि 4.096 है तो 1.6 से थोड़ा कम आंसर होगा, 1.5 से मैंने बीच में होगा, तो फिर ट्राई कर सकते थे 1.50, 1.60, फिर 1.55 में ट्राई करते, ऐसे करके लॉजिक से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी 1.6 राउंड में हम एक ही डिजिट का निकाल रहे हैं, दो डिजिट में क्यों जाएं, तो 1.6 माना जा सकता है, इससे थोड़ा सा कम होगा, 6 माने क्या हुआ 60, तो 59 58 57 कुछ होगा, इसको 1.5 को 1.50 समझ लीजिए, इसको 1.60, 50-60 के बीच में होगा, लेकिन उतना माथा पच्ची मत कीजिए, 1.6 राउंड में करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 300 डिवाइडेड बाई 1.6, सॉल्व कीजिएगा ऊपर में 10 चल जाएगा तो 3000 हो गया, ये 16 हो गया, इसको भाग देना है तो 30 डिवाइडेड बाई 16 और 10 का पावर 2, अब 16 है तो भाग दीजिए 16, इसको काटने का जरूरत नहीं है, आप काट भी सकते हैं, तो उसमें क्या है देखिए, जब भी भाग दीजिएगा ना किसी भी नंबर को 1 से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भाग लगेगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 वाले में दिक्कत होता है, 4 में भी भाग लग जाएगा, 5 में भी भाग लग जाएगा, 6 में दिक्कत होगा, 7 में थोड़ा दिक्कत होता है, फिर 8 में भाग लग जाएगा, 9 में दिक्कत होगा, तो 369 ये मैजिक नंबर है, तो जब भी 1/3 होता है 0.33 होता है, और जब 1/6 है तो सोच सकते हैं 1/2 × 1/3, तो 0.5 को 0.33 से मल्टीप्लाई कर देगा तो आंसर आ जाएगा, उसी तरह 0.7 है 1/7 है तो 1/7 का होगा 142 857, और यहाँ पर रिकरिंग आएगा, एक सर्किल में बना दीजिए 142 857, तो 1/7 2/7 सब निकाल सकते हैं, सब अर्थमेटिक में पढ़ाई होता है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डिवाइड कीजिए 16 को, तो 16 है यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो आएगा कि 16 से डिवाइड करना, इधर डिवाइड करके दिखाते हैं, 16 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 30 है, 16 × 16 = 14 हो गया, दशमलव दे दिए, और
16 ठीक 128 और ये हो गया 2 12 16 सते 112 और देखिए 1685। हमने क्या कहा नीचे में 16 है ना, 16 माने क्या हो गया ये 1/2 × 2 × 2 × 2 माने 2 2 2 2 आ रहा है, आराम से टर्मिनेट होगा डिवाइड करने में, 1 से भी टर्मिनेट, 2 से भी टर्मिनेट, 4 से भी टर्मिनेट, 5 से भी टर्मिनेट, 8 से भी टर्मिनेट, लेकिन 3 6 9 जो है 369 ये थोड़ा अजीब नंबर है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीटिंग टाइप का नंबर होगा 5333 वाला, 6 वाला भी इसी तरह होगा, 9 वाला भी इसी तरह, 7 वाला भी रिपीटिंग होगा, वो सब है समझ लीजिए कि रैशनल नंबर है लेकिन नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर है। अब देखा जाए यहाँ पर, अब आ गया ये वाला कितना 1.875 और मल्टीप्लाइड बाई 100 है तो 187 हो गया और 187.5 था तो 5 ये था तो आ गया 100 तो यहाँ आ गया 187.5। तो जैसे ये 187.5 आ गया तो समझ सकते हैं कि इसके जो आंसर्स आ गए यही आ गया राउंड में, आप क्या कैलकुलेशन करके जो आया फिर उसी तरह निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, होता है एन सी वी डेल्टा टी और सी वी क्या होता है आर बाई गामा माइनस वन। कैसे तो सी पी माइनस सी वी, आर होता है सी पी बाई सी वी, गामा होता है सॉल्व कीजिए सी पी निकलेगा गामा सी वी, पुट कीजिएगा गामा सी वी माइनस सी वी और सी वी निकलेगा आर बाई गामा माइनस वन, वही बता दिए। अब एन की जगह पुट कर देंगे 2 मोल है, आर की जगह 8.314 है और यहाँ गामा हो गया 5/3 − 1 और डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर कौन है तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग का अभी निकला है 187.5, इसको राउंड में मानिए 188 ले लेते हैं तो 188 क्यों ले लिए 188 तो एक्चुअली ये तो चार दिए थे ना इससे तो थोड़ा सा और माने कम आंसर आएगा, तो जब ये कम आंसर आएगा और यहाँ पर हम लोग तो डिवाइड कर रहे हैं ये देखिए कहाँ पर ये देखिए डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा इससे ज़्यादा आएगा तो 188 राउंड में तो ऐसे आया 189 लिख सकते थे और अब इसको पुट कर दे रहे हैं 188 में ही कैलकुलेशन कर दे रहे हैं और फिर आ जाएगा −300 तो कितना आएगा देखिए 300 −188 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ हो गया 1 यहाँ 112 हो रहा है क्योंकि छोटा है बड़ा है तो −112 आ जाएगा तो इसलिए ये आ गया 2 ऊपर चला गया 3 × 2 6 हो गया 6 × 8.314 हाँ ठीक है 3 × 6 हो गया यहाँ बच गया 2 5 − 3 = 2 हो गया यहाँ 2 लिख देंगे मतलब यहाँ पर क्या हुआ आया 5 − 3 तो 2/3 तो जैसे 2/3 आया 2 को रहने दिए और 3 ऊपर ले गए तो 3 × 2 = 6 हो गया और ये हो गया −112। अब इसको काट सकते हैं तो यहाँ हो गया 8.314 और इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो 33 और ये 6 3 टाइम्स करके अब माइनस है यहाँ लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वही इसका रिजल्ट हो जाएगा जूल में तो आप इसको भी मल्टीप्लाई अपने कर लीजिएगा तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा 336 में 8.314 मल्टीप्लाई करना है। तो देख सकते हैं कि ये आंसर्स तो निकल चुका है, आप एक स्टेप खाली कैलकुलेशन कर लीजिएगा और जो नहीं कर सकते उनके लिए थोड़ा दिखा देते हैं और हमको नहीं लगता कि जरूरी है तो चलिए थोड़ा होमवर्क के रूप में दिया जाए। ओके इसका आंसर अपने निकाल लीजिएगा जून में आया आंसर। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और इसी तरह प्रैक्टिस और करते रहिए। एक कैलकुलेशन मैंने आज खाली छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया कि कुछ होमवर्क में अपने कर लिए और इस क्वेश्चंस में ऑप्शन एक्चुअली दिया हुआ था मैंने जानबूझ के इसका ऑप्शन को हटा दिया और मतलब ऑप्शन रहेगा तो भी बन जाएगा नहीं भी रहेगा तो भी बनेगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और इसी तरह शेयर करते रहिए लाइक करते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए अपने आप एक दिन
इंप्रूव कर दीजिएगा क्वेश्चन बना बना करके. ओके बाय, सी यू अगेन.